राधे भुक्ति मुक्ति दोनों का त्याग करना होगा, यानी केवल भगवान संबंधी कामना ही हमको बनाना है। समस्त कामनाओं का त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि भगवान संबंधी कामना भी नहीं बनाना है, नहीं, श्री कृष्ण संबंधी कामना तो बनाना है। भगवान हमको कब दर्शन देंगे, कब हम उनका ये शब्दों का श्रवण करेंगे, कब वो हमारा आलिंगन करेंगे, श्री कृष्ण संबंधी कामना बनाना है। श्री कृष्ण संबंधी कामना को छोड़कर जितनी भी कामनाएं हैं उन सब का त्याग करना होगा, ये भक्ति की पहली शर्त है। तो मुक्ति के विषय में मैंने आपको बताया, अब भुक्ति के विषय में समझ लीजिए। आप कहेंगे चलिए मुक्ति की इच्छा तो नहीं होती हमें, या मुक्ति की इच्छा तो छोड़ भी देंगे, लेकिन भुक्ति की तो होती है। स्त्री की इच्छा, पति की इच्छा, पुत्र की इच्छा, भाई की इच्छा, धन की इच्छा, पोस्ट की इच्छा, इस तमाम सारी सांसारिक कामना की इच्छा हमको होती है। ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं, और ये भक्ति की शर्त क्या बताई जा रही है, सभी कामनाओं को छोड़ना होगा, भुक्ति और मुक्ति दोनों का त्याग करना होगा। और मैंने बताया जो लोग भगवान से संसार मांगते हैं उनको अभी ईश्वरी क्षेत्र की ABCD का भी ज्ञान नहीं, काखा गाघा का भी ध्यान नहीं है, जानते ही नहीं भगवान से क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है। आप भगवान से संसार मांगते हैं, और एक सिद्धांत की बात समझ लीजिए, प्रारब्ध के विपरीत भगवान किसी को कुछ नहीं दे सकते, हमारे मांगने से हमको कुछ नहीं मिलेगा। प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं नाभुक्तं चीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। प्रारब्ध सबको भोगना पड़ेगा, इसमें किसी के लिए कोई रियायत नहीं, बस अंतर इतना है ज्ञानी भुगते ज्ञानते मूर्ख भुगते रोए। किसी के पिताजी मर गए, रो रो के ढेर कर दिया, हाय पिताजी मर गए, हाय पिताजी मर गए, हाय पिताजी मर गए। किसी परमहंस के पिता मर गए, खबर मिली आपके पिताजी मर गए, अच्छा अच्छा मर गए, कब मरे, ये सुबह उनकी मृत्यु हो गई, अच्छा तो इंतजाम करो लकड़ी वकड़ी मंगवाओ हम आ रहे हैं। अरे आपके पिताजी मर गए, इतने कॉमन वे में आप बोल रहे हैं, तो परमहंस जी क्या उत्तर देंगे, जातस्य ध्रुव मृत्यु, अरे जो आया इसको एक ना एक दिन तो जाना है, सबको जाना है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। तो ज्ञानी भुगते ज्ञानते मूर्ख भुगते रोए। आप लोगों को जरा कोई बीमारी हो जाए, शुगर हो गई, हमको शुगर हो गई, अभी तो 10% ही है लेकिन उसकी टेंशन इतनी ले लेते हैं कि वो 100% बीमारी बन जाती है। जरा सा कुछ शरीर में हो जाए, हमें तो ये हो रहा है, हमें तो ये हो रहा है, 10% बीमारी चिंतन के द्वारा 100% हो जाती है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, शुरू में वो सोचते हैं कि दीदी कुछ हाथ वात देखती होंगी, कुछ बताती होंगी, कोई एक व्यक्ति इसमें से बोल दे दीदी हाथ देखती है कुछ बताती है, तो प्रचार की आवश्यकता नहीं होगी, मेरे यहाँ भीड़ लग जाएगी और भगाना पड़ेगा। तो लोग मेरे पास आते हैं शुरू शुरू में, बाद में तो सब पता चल जाता है, दीदी कुछ संसार के विषय में नहीं बताती, अध्यात्म के विषय में ही जिज्ञासा का समाधान करती है।
आते हैं लोग, दीदी हमारे घुटने में बड़ा दर्द है, कमर में बड़ा दर्द है, कोई उपाय बताइए ना। और जब आकर देखते हैं दीदी तो खुद ही दवा खा रही है, तो बड़ी आश्चर्यचकित होकर पूछते, दीदी आप इतना प्रवचन करती हैं, कीर्तन करती हैं, सत्संग करती हैं, आप भी दवा खाती हैं? अरे हमारा शरीर नहीं है, जो हमने कर्म किए उसका फल हमको ही भोगना है ना, उसमें ठाकुर जी क्या करेंगे और महाराज जी क्या करेंगे, कर्मों का फल तो सबको भोगना पड़ता है। शास्त्रों में आपने पढ़ा होगा, अमुक महात्मा को कैंसर हो गया, अमुक को फोड़ा हो गया, अमुक को संग्रहणी रोग हो गया। बस ज्ञान ही भुगते ज्ञानते मूरख भुगते रोए, प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, इसमें किसी के लिए कोई रियायत नहीं। तो हमारे मांगने से हमको मिलेगा नहीं कुछ, तो फिर मांगते ही क्यों, ये समझ लो ना। हमारे मांगने से हमको कुछ मिल नहीं जाएगा, और चलिए भगवान दे भी दे तो होगा क्या। जो आज आप यहाँ बैठकर प्रवचन सुन रहे हैं ना, तो इससे भी वंचित हो जाएंगे, क्योंकि ये संसार का समान अहंकार उत्पन्न करता है। किसी करोड़पति से आप कहिए, अरे वो प्रवचन चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ी अच्छी बातें बताती हैं दीदी, आप भी चलिए, तो वो क्या कहेंगे, अरे हमको प्रवचन में जाने की क्या जरूरत है, हमारे पास पैसा है, जिसके पास पैसा होता है उसकी मिट्टी में सब कुछ होता है, ये क्या बोल रहा है, अहंकार। अभी किसी चीज में हम टॉप नहीं करते, फिर भी हमारा अहंकार हम सब लोगों में भरा हुआ है। इसका प्रमाण क्या है कि कीर्तन में हमारे आंसू नहीं आते, क्यों नहीं आते, उसका केवल एक ही कारण बताया गया है, अहंकार। अभी किसी चीज में हम टॉप नहीं करते, धन में कुबेर नहीं, धन में सबसे बड़ी पर्सनैलिटी कौन है, कुबेर। क्या कुबेर के समान किसी के पास धन है, धन में कुबेर नहीं गोविंद राधे, पूरी धन का है अभिमान क्यों बता दे, रूप न काम सम गोविंद राधे, पूरी रूप का है अभिमान क्यों बता दे, वैभव न इंद्र साम गोविंद राधे, पूरी वैभव का है मद क्यों बता दे, बुद्धि न शारदासी गोविंद राधे, पूरी बुद्धि का अभिमान क्यों बता दे। किसी भी चीज में अभी हम लोग टॉप नहीं करते, धन में कुबेर नहीं है, रूप में सबसे बड़ी अथॉरिटी कामदेव है, क्या कामदेव के समान हमारा रूप है, नहीं, फिर कहां है कहां अहंकार है। वैभव ना इंद्र सम, इंद्र के समान हमारा ऐश्वर्य नहीं है, वैभव नहीं है, फिर भी हमको अहंकार है। बुद्धि में सरस्वती बृहस्पति नहीं है, फिर भी हमें अपनी बुद्धि का अहंकार है। तो अभी तो कोई चीज हमारे पास अहंकार वाली है नहीं, रावण अहंकारी था तो क्या गलत था, चारों वेदों का ज्ञाता रावण, तो उसका अहंकार तो जायज है। लेकिन हम लोग के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, किसी चीज में टॉप नहीं करते, फिर भी अहंकार है, हम सबको है। और उसका प्रमाण कीर्तन में आंसू न आना। तो अभी भगवान ने हमको कुछ टॉप का दिया नहीं है, तब इतना अहंकार है। अगर भगवान दे दे संसार, तो फिर हम यहाँ पर दिखेंगे नहीं, भगवान से कोसों दूर हो जाएंगे।